और मेरा नाम है जगदीश। तो आज जब वीडियो देखने वाले हैं वो मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, तो मैं राहुल से पूछ लेता हूँ क्या देखने वाले हैं। हाँ वो रावलपिंडी ड्रोन व्यू 4K। ओके, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का ही पार्ट है, नहीं इस्लामाबाद रावलपिंडी का ही पार्ट था, तो अब रावलपिंडी इस्लामाबाद को अलग कैपिटल बनाया ना, तो रावलपिंडी भी एक बड़ी सिटी है। और एक रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पे पड़ा हुआ है, ये मुझे जीके में पता था। पप्पा रावल इस एरिया में, इस खत्ते में एक रूल किया उन्होंने आज से 1200-1300 साल पहले ना, बिफोर एंट्रिंग ऑफ मुगल, उनसे पहले तो उनके नाम पे ही रावलपिंडी, पप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी पड़ा है। अगर आपके पास इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे करेक्ट करना भाई, मैंने तो ये पढ़ा अपने बुक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू देखते हैं रावलपिंडी को। लॉकडाउन का ही है सब, तो कुछ खाली पड़ा हुआ है।
ओके, तो ये था रावलपिंडी, एक आबादी वाले एरिया को ही पूरी तरह से इस वीडियो में बताया पूरा, नॉट फॉर मतलब कुछ नेचुरल कल्चर भी, कल्चर क्या नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, मतलब जो खूबसूरती होती है नेचर की, वो इसमें नहीं बताया उन्होंने, पर्टिकुलर उसी पे जोर दिया है इस वीडियो में ना। और तो हमें वाकई में पता चला कि यार पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े शहर, रावलपिंडी वाकई में बहुत बड़ा है ना, और मेरे हिसाब से एक पुरानी सिटी है रावलपिंडी, उसको अलग से बनाया नहीं गया, इसकी तारीखी, इसकी पुरानी तारीख होगी, इसका कुछ अलग कल्चर होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वहाँ पे देखने लायक क्या है, तारीखी मतलब तारीख के हिसाब से देखने लायक क्या है। थोड़ी स्क्रीन सही कर देता हूँ। तो बहू आपके क्या विचार है सर रावलपिंडी के बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसा एरिया था? गसर पसर। छोटी-छोटी गलियां थी। हाँ, ये अपने अपने जो इंडिया में यूपी है ना, यूपी में जाओ या फिर अपने अपने जैसे उदयपुर में, उदयपुर इतना बड़ा मतलब पुराना जो उदयपुर है वो इतना बड़ा मतलब इतना यूनी है, पर वहाँ पे भी गलियां हैं, तो उस गलियों में एक बार चला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, उसी गली में दो या तीन बार घूमता रह जाएगा। तो वो पुराने जो शहर होते हैं, ये इंडियन सी समझते हैं ऐसी चीज़ों को कि वो जो पुराने, वो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं पाकिस्तान को देख रहा हूँ, मुझे लगा इंडिया की कोई सिटी है और उसी को देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो पर्टिकुलर जो जो सिटीज़ डेवलप हो रही है वो कम है तादाद में, और ऐसे ही हमारे हम ही ऐसे ही बसे हुए हैं, क्योंकि लोग गरीब ज़्यादा हैं, कम पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं, वो ऐसे ही दिखेंगे आपको। एलिट क्लास होती है वो अपने आप को सुपीरियर भी समझती है, अपने आप को अलग भी रखती है, इसलिए तो हमारे यहाँ पर ये दिक्कत है कि अमीर और अमीर पैसे वाले बन रहे हैं और गरीब बन रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की जो परवाह है वो अक्सर लोग करते नहीं हैं पैसों के मामले में, और ये हमारा कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही, यहाँ पे राजशाही रही है, यहाँ पे राजाओं ने राज किया है, तो उनका जो सिस्टम है तो लोग अभी भी वैसा ही फॉलो करते हैं, भले ही हम डेमोक्रेसी बोलते हैं सब बोलते हैं, पर लोग वैसा है नहीं है अभी, जैसे कि कुछ पार्टी आ जाती है तो लोग उन्हीं को उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, ये हमारे मतलब माई बाप है, ये हमारे ऐसे हैं, लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, इसलिए बोलता हूँ एजुकेशन लीजिए, अपने जो राइट्स होते हैं उनको पहचानना चाहिए, लेकिन अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद, क्योंकि आजकल भी ऐसे बहुत लोग आ गए हैं जो पढ़े लिखे तो हो जाते हैं लेकिन अपने राइट्स की बात करते हैं, अपनी लाइबिलिटी को वो भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लाइबिलिटी पूरी करो, उसके बाद राइट मांगो, तो वो आपका हक भी होता है, क्योंकि कोई नहीं देखे, देखे ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। तो चलो, मैं किसी और जगह चला गया, आपको कुछ बातें समझा नहीं पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वैसे चिंकी मार्क्स आई है तो उसको थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है, फिर भी तेरे वहाँ पर है नहीं ऐसे जाना, सिटी है वहाँ पर, ओके, तो न्यूट्री रोड आगे गिरता तो नहीं ऊपर। तो चिंकी इस तरह का कुछ बोलना सिटीज़ के बारे में। देखो, मैंने पहले तो इसकी हिस्ट्री बताई, रावलपिंडी का नाम मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब से बताया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, एज ए पार्ट ऑफ जो इस्लामाबाद इसी का पार्ट है, इसी की मतलब पार्ट में से एक कैपिटल को क्रिएट किया गया था और काफ़ी खूबसूरत कैपिटल बनी है इस्लामाबाद, तो रावलपिंडी भी उसी का हिस्सा है। और रावलपिंडी किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे और क्या क्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, या उससे रिलेटेड कोई वीडियोस हो लाइक व्लॉगिंग समथिंग, जिसमें हम उनकी गलियों में, ऊपर से तो गलियाँ देख ली है लेकिन गलियों के अंदर जाके और कुछ ऐसे कुछ वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ सेंड कीजिएगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं पाकिस्तान से, तो एक मिक्सअप कल्चर है हमारा, तो देखना चाहिए बिल्कुल, समझना चाहिए, और उससे जो भ्रांतियाँ होती है, जो गलत फहमियाँ होती है, जो माइंड में एक अलग चीज़ होती है कि नहीं यार पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मीडिया में जो बताया जाता है, तो वो उससे थोड़ा हटके, क्योंकि हर जगह अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह होती है, तो अच्छाई को भी देखना चाहिए, और अच्छाई को हम देखेंगे तो अच्छाई आगे बढ़ेगी। तो इस छोटे से मैसेज के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, क्यों बाबू? तो और भी कोई वीडियो हो लाइक रावलपिंडी का अलग कुछ हो, तारीखी हो, एक तक्षशिला से रिलेटेड और हड़प्पा से रिलेटेड, मोहनजोदड़ो का तो हमने पूरा वीडियो किया था, हड़प्पा से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ हो, प्लीज़ आप ऐसा कोई वीडियो हो जो सर्च करने पे मिलता नहीं है, आपको जो सही सूटेबल लगे वो हमें आप लिंक करके भेज दीजिएगा, ताकि हमें वो सही जानकारी मिले और सही वीडियो हमें मिले, तो ऐसा कुछ वीडियो आप प्लीज़ सेंड कीजिएगा। और भी कुछ डिफरेंट वीडियो हो लाइक स्पोर्ट्स, लाइक कल्चर, और आपको लगता है कि जो चीज़ हमें जाननी चाहिए एज ए इंडियन, उस हिसाब से आप वो चीज़ हमें सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे या भाव की इंस्टा आईडी पे, दोनों में से कोई भी इंस्टा आईडी अगर भाव शो कर रहा है यहाँ पे तो आप प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ चैनल को आप ओके, और बने रहिए हमारे साथ में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लोग बहुत बुरे हैं आज के टाइम में, बुराई बहुत बढ़ रही है, तो प्लीज़
चिंकी बोल रही है ना मेरे को कि नहीं मामा हमें अच्छा बनना है, तो अच्छा बनने के लिए अच्छा बोलना भी पड़ता है, अच्छा सोचना भी पड़ता है। क्यों चिंकी का नाक काला काला हो रहा आगे से? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।